बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ। मैं यानी कि एक ये खबर शेयर कर दूंगा जो वजारत दाखिला की तरफ से वीकली रिपोर्ट आती है जी। यानी कि इस वीक में भाई कितने हज़ार बंदे गिरफ्तार किए गए हैं, इनमें कौन कौन से आते हैं, तमाम तर तफसील आपको बता देता हूँ। मैं इस वक्त जद्दा बनी मालक से ही लाइव हूँ आपके साथ, और यहाँ की सूरत हाल भी अक्सर वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। जो भी अभी तक की सूरत हाल है, यानी कि सख्ती वगैरह के मतलब, पकड़ वगैरह के मतलब, इकामा या हरूब या जो भी सूरत हाल है जी, बहरहाल इस न्यूज़ के मतलब डिटेल से बात कर लेंगे, और आपको मैं थोड़ी तफसील भाई बता भी दूंगा, जिनमें टोटल मैं आपको यहाँ पर वो ट्वीट दिखा भी रखा हूँ। टोटल 14,519 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, ठीक है। इनमें भाई मुखालफा निज़ाम अल इकामा, जिन बंदों के इकामे वगैरह एक्सपायर थे, उनको कितनों को पकड़ा गया है, 7,413 अफराद भाई वो गिरफ्तार किए गए हैं जिनके इकामे एक्सपायर थे। ये पूरी सऊदी अरब की रिपोर्ट है, खाली जद्दा की नहीं भी बता रहा हूँ आपको। इसके आगे देख रहे हैं मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद, जो गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में इंटर होते हैं या निकलते हैं, उनकी तादाद 5,398 अफराद। उसके आगे लिखा हुआ है मुखालफा निज़ाम अल अमल 1,708 अफराद। इनमें भाई आपका महीना कुछ और है, कफील आपका कोई और है, कंपनी और है, आप काम कुछ और कर रहे हैं, या आपका मेहनत साय खास है और काम आप दिहाड़ी वगैरह के मुतल कर रहे हैं, वो होता ही मुखालफा निज़ाम अल अमल, ठीक है। सबसे ज़्यादा तादाद इकामा एक्सपायर वाले बंदों की, तो सऊदी अरबिया में अभी बहुत सी भाई बंदों बहुत से बंदों के बहुत सी दुनिया के इकामे एक्सपायर हो चुके हैं, रीन्यू नहीं करवा सकते, कंपनी रीन्यू नहीं करवा रही हैं, तो वो बंदे पकड़े जाते हैं, उनको फिर भाई वो मुखालफा होता है, यानी कि 500 या 1,000 का। अच्छा, 500 का फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम आपका एक्सपायर है, चाहे वो दोनों एक साथ एक्सपायर हो जाएं, या फिर भाई आपने 2 साल बाद आपका फिर से एक्सपायर हो चुका है, तो आपको 1,000 का फाइन है जी सेकंड टाइम। और अगर थर्ड टाइम एक्सपायर हो जाए तो फिर भाई आपका खरूजन हाई ही है, और इसके अलावा कोई हल नहीं है। और एक चीज़ फिर क्लियर कर दूँ, बदून के फील की आप पकड़े जाएँ तो फिर पहले इकामे एक्सपायर के ऊपर भी आपका खरूजन हाई, यानी कि आपको तरहील के थ्रू खरूज के थ्रू भेजा जा सकता है, और ताहयात के लिए सऊदी अरब में आप भाई बैन भी रहेंगे।